ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ଆସି ଭାସୁଛି ସହର, ତ କେଉଁଠି ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଥରୁଛି ପାହାଡ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନଦୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ଭାରତର 8 ରାଜ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ 15 ମୃତ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ରାଜସ୍ଥାନ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ। जिस तरह से पानी, ब्यास नदी का जो पानी है काफ़ी ऊपर तक आ गया, और मेरे हिसाब से इससे पहले ये मतलब कम से कम 15-20 साल पहले आया होना इतना ज़्यादा पानी। नुकसान तो सर पता नहीं लगा, एकदम से ही सारा पानी आ गया और आधे घंटे में पूरा भर गया कमरे में। मैं तो अकेला ही रहता हूँ यहाँ पे, साथ में रहता हूँ मकान मालिकों के साथ, और जो हमारे किराएदार थे यहाँ पे, दो सेट थे यहाँ पे, उनका भी सारा सामान अंदर ही बह गया और कुछ खराब हो गया, कुछ निकाला थोड़ा बहुत है। एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है अभी, जिस तरीका से ये हो रहा है, मतलब इंटरेक्शन हो रहा है मॉनसून का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 24 आवर्स में भी वेदर पूरी तरह से एक्टिव रहने वाला है। आप ये हमारे रडार का पिक्चर देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा पटियाला में रडार लगा हुआ है, ये हमारा पटियाला में रडार लगा हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरे बादल सिस्टम जो है नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, ये हमारा एनिमेशन है नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, और ये जो बादल जो है खतरनाक बादल है, जो कि बारिश भी करवाते हैं और साथ साथ थंडर और लाइटनिंग भी होती है। तो ये पूरा सिस्टम एक्टिव है और ये धीरे धीरे नॉर्थ की ओर बढ़ रहा है, जहां जहां से बढ़ेगा उस पार्ट में बारिश करवाता हुआ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली उत्तर पश्चिम भारत अनेक भाग में शनि और रविवार प्रबल वर्षा है। दिल्ली 40 वर्ष रेकर्ड भांगी। गत 24 घंटा रे दिल्ली में 153 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड हो, जहाँ 1982 पर जुलाई में गोटे दिन में सर्वाधिक बोली भारतीय पाणीपाग विभाग कही। बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, टू व्हीलर पे लोग परेशान हैं, बीवी बच्चों के साथ, बीच में स्कूटी बंद हो गई, ऊपर से बहुत तेज बारिश हो रही है, बसें रुकी हुई हैं, जाम लग रहे हैं, 4-4 फुट पानी है, लोग अपने काम छोड़ के साइडों में खड़े हैं, बहुत परेशानी हो रही है। 24 घंटे में 150 mm से ज्यादा बारिश हुई है दिल्ली में, ये 40 साल का रिकॉर्ड पिछले 24 घंटे में दिल्ली में टूटा है। 150 mm बारिश की भी तैयारी हम कर रहे हैं, सुबह से मैं खुद फील्ड पर हूँ, सारे मंत्री फील्ड पर हैं, हमारी मेयर फील्ड पर रही। इस वक्त दिल्ली में 203.58 मीटर तक हमारा लेवल पहुंचा है यमुना का, कल सुबह 205.5 मीटर तक पहुंचेगा, और जो वेदर की प्रेडिक्शंस अगले कुछ दिनों की हैं, उसके हिसाब से यमुना का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है, तो फ्लड की सिचुएशन आएगी ऐसा लगता नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शंस मेड बाय द एक्सपर्ट्स, पर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। उत्तर पश्चिम भारत में गत 2 दिन मध्यरे लगातार वर्षा हुई। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं पंजाब अनेक अंचल में प्रबल रु प्रबलतर वर्षा हुई। प्रबल वर्षा पार्क, अंडरपास, बाजार एवं एपरिकी डाक्तरखाना परिसर को जलमग्न कर समस्या सृष्टि कर। हिमाचल प्रदेश गत 24 घंटा मध्यरे हिमाचल प्रदेश में अति कम्रे 5 जन लोक वर्षा विपातरे प्राण हरायछन्ति। सिमलारे 3 जन, चांबारे जणे, कुलुरे जणे मृत्युवरण करिछन्ति। हिमाचल प्रदेश मनाली में लगातार वर्षा व्यापक ध्वंस घटाइछि। हिमाचल प्रदेश 7 जिला पाई पाणीपाग विभाग रेड आलर्ट जारी करिछि। भूस्खलन एवं आकस्मिक बन्या जोगु सिमला, सिमाउर, लाहौल एवं स्पीति, चांबा एवं सोलान जिलार अनेक अंचल में रास्ता अवरोध होइछि। अनेक गुरुत्वपूर्ण रास्ता जलमग्न हो रहा बेले विभिन्न स्थान रे कलवर नष्ट हो जाए छी। बहुत पानी भर रहा है इधर के लोग, हमें साग सब्जी की भी परेशानी हो रही है, क्या करें, घरों में भी पानी भरा हुआ है, घरों में भी पानी आ रहा है, टैंक टूट गए, देखो टैंक टूट गया, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। जहाँ पर पूर्व में विपर्य जो तूफान आया था तब से लेकर आज तक पानी भरा हुआ था,
मीडिया के माध्यम से भी लगातार कवरेज प्रशासन को दिखा रहे हैं, मैं भी प्रशासन को चेता रहा हूँ, लेकिन प्रशासन नाकामयाब कोशिश हो रही है उनकी, क्योंकि मात्र चार पंप से इतने बड़े क्षेत्र का पानी निकालना मुश्किल हो रहा है। जगह जगह पानी इतनी तादाद में है, जिसका एक उदाहरण है, मैं बार बार प्रशासन को चेता रहा था कि कभी ना कभी कोई हादसा हो सकता है, वो हादसा कल रात को हो चुका है। ये इनके एक गरीब परिवार है जिनके लाखों का नुकसान हो चुका है, डोली गिर चुकी है, ये क्षेत्र पूरा पानी से डूबा हुआ है, लगातार आज तक पानी से डूबा हुआ है। गली नंबर 3 ले लो, 4 ले लो, 2 ले लो, पाल वाला एरिया ले लो, मतलब शक्ति नगर का तमाम एरिया सर, जितना पानी निकाला था इतने दिनों में, लगातार जितना पानी निकाल सके थे, पूरा नहीं निकाल पाए थे, लेकिन जितना निकाला था पुनः उससे दुगना पानी भर चुका है। मैं जी पंजाब से आया हूँ कुल्लू मनाली में घूमने के लिए, तो यहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही है जी, और पूरे रोड ब्लॉक हो गए हैं जी। सभी भाइयों से, ड्राइवरों को, किसी को भी, जो भी यहाँ आता है ना, अपना देख के अपना पूरा जानकारी लेके यहाँ पे आए, तो यहाँ के पूरे रोड ही ब्लॉक हो गए हैं और लगातार ही बारिश हो रही है जी। प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है, और जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, देखिए वो है कांगड़ा, चंबा, कुल्लू मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं आप जैसे सोलन, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहाँ लाहौल स्पीति के लिए येलो अलर्ट जारी किया हैवी रेनफॉल का। और देखिए ये जो एक्टिविटी है अभी, जो इंटेंस स्पेल है, ये आगामी 24 घंटों तक जारी रहने की संभावना है आज, और संभावित है कि अगले कल भी जो है भारी बारिश वर्षा होगी, जिससे बहुत नुकसान इस पूरे इलाके में हुआ है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हिमाचल प्रदेश में भी हम लगातार, हमारा विभाग है PWD, वो लगातार जो है वो पुलिस प्रशासन के संपर्क में है, स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ जो हमारी अथॉरिटी है उनके संपर्क में है, और लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस पूरे प्रदेश के अंदर करवाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, काश्मीर अनेक स्थान में प्रबल वर्षा हेतु झेलम नदी एवं यार उपनदी गुड़िक जलस्तर वृद्धि पाई। वर्षा जनित विभिन्न कारण पाई 5 जनों मृत्यु घटी। आज काश्मीर अनेक स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा जारी रही। केतेक स्थान में जुलाई मसने 24 घंटा मध्य रेकर्ड वृष्टिपात हो, अमरनाथ समेत केतेक उच्च स्थान में तुषारपात होता। लगातार वर्षा और भूस्खलन पर गत काली क्रमगत द्वितीय दिन पर अमरनाथ यात्रा को स्थगित रखा जाता। वार फुटिंग पे युद्ध स्तर पर ये पंथाल के एक्सिस पर और 2-3 जगह और जहां छोटा मोटा फ्लैड आया है, डिफरेंट जो एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं ताकि रोड को जल्दी से जल्दी ट्रैफिक वर्दी बनाया जा सके। इसमें लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमें थोड़ा पंथाल में परेशानी है, एक चंबा से भी परेशानी है। यहां पर जो हमारी कंस्ट्रक्शन एजेंसी है वार फुटिंग पर रोड को जल्दी से जल्दी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है ताकि रोड खुले। राजस्थान, मरुभूमि ने भी होई एथर बन्या, 123 वर्षर रेकर्ड भांगिला वर्षा। राजस्थान रो अनेक जिले में गत 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा जो पृथक घटन 4 जनों मृत्यु घटी। चित्तौड़गढ़ में वज्रपात में जड़े पुरुष और जड़े महिला मृत्यु घटी, बेले सवाई मधुपुर में 2 पृथक घटन 2 जन व्यक्ति बुड़ जाती पुलिस कही। वर्षा जनित विभिन्न दुर्घटन 15 जनों मृत्यु होती। हिमाचल में 5 जनों मृत्यु होता बेले जम्मू काश्मीर में 5 जन, राजस्थान में 3 जन और अन्य अंचल 2 जन मृत्यु होती। वर्षा, बन्या और भूस्खलन भयानक चित्र एवं सामनाक आसुची, जहां छाती को थराई देउची। सेबडे वर्षा पर बन्या स्थिति मुकाबला पाई अनेक स्थान में सेना और NDRF पक्षर उद्धार कार्य करा जाउची। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।